वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइड। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, और वो है कि कैसे आप अपने अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि जिसे आप जनरल टर्म्स में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसकी अनलिमिटेड पावर्स को यूज कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं अपने फेवर में। मैं आपको बताऊं, हमें कम्युनिकेट करने के बारे में कभी साइंटिफिक तरीके से सिखाया नहीं जाता। इसलिए होता क्या है कि जो भी हमारा ये अनकॉन्शियस माइंड है, जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, इसकी पावर्स को हम अपने फेवर में यूज करने की बजाय कई बार अपने अगेंस्ट में यूज करना शुरू कर देते हैं, और उसके रिजल्ट्स हमारी जिंदगी में आते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि हम खुद अपनी जिंदगी को प्रोग्राम कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं कि ज्यादा सक्सेस नहीं क्रिएट कर पाए, राइट? तो कैसे इन चीजों को आप चेंज कर सकते हैं और उसके लिए कैसे आप क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। आपको कुछ टूल्स देने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, जिससे आप अपने माइंड की इन पावर्स को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब हम बात करते हैं कई बार अपने आप की, यानी कि खुद की, और कई बार हम अपने आप को एक स्टेटमेंट बोलते हैं, आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता, या कई बार हमारे अंदर से ये फीलिंग आती है, आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, आप किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, आपने अपनी जिंदगी में कुछ ड्रीम्स देखे हैं, आप उनको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जब आप उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो आपके खुद के अंदर से एक फीलिंग आती है और आपको वो कहती है कि यू कांट डू इट, तुम इसे नहीं कर पाओगे, या कई बार अंदर से ये आवाज आती है कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और उस समय क्या होता है, जब ऐसी फीलिंग आती है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन की पावर को गलत तरीके से, गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। वो अपने आप से कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मेरे माइंड में इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्यों मेरी जो एनर्जी है वो इतनी लो है, क्यों मेरा कॉन्फिडेंस लो है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और वो इस तरह के ही सवालों को अपने आप से पूछते रहते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपका अनकॉन्शियस माइंड कैसा है, उसके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अगर मैं बोलूं अनकॉन्शियस माइंड को एक पावर हाउस की तरह, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अनकॉन्शियस माइंड को अगर आप देखें तो वो ऐसा है कि आज तक आपके जो भी माइंड ने रीड किया है, यानी कि जो भी आपकी इमेजेस, साउंड्स, फीलिंग्स, इवेंट्स, जितनी भी चीजें इसने ऑब्जर्व की हैं, वो सब कुछ इसके अंदर स्टोर्ड है, यानी कि ये सारी चीजें इसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर्ड है। अब क्या होता है, यानी कि अगर इसे देखें तो कैसा है कि जैसे बहुत सारे डॉट्स हों, इस तरीके से आपके अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंटेड है। अब आप जब कोई सवाल पूछते हैं तो आपका अनकॉन्शियस माइंड उसको क्वेश्चन के जैसा नहीं लेता, उसको कमांड के जैसा लेता है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड के लिए, अगर मैं जिस साइंस के ऊपर काम करता हूं, एनएलपी, उसकी बात करूं या हिप्नोटिज्म की बात करूं, हिप्नोसिस की बात करूं, तो वहां पे एक स्टेटमेंट आता है जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन एज अ कमांड, यानी कि जब आपने किसी सवाल को पूछा लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड ने उसको कमांड के जैसा लिया, तो वो क्या करता है, जैसे ही आप इसे पूछते हैं मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है, या मेरी एनर्जी इतनी लो क्यों हो जाती है, या मैं क्यों मोटिवेटेड नहीं रहता हूं, मैं क्यों डीमोटिवेटेड हो जाता हूं, तो पता है क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछते ही आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो भी सारी इंफॉर्मेशन आज तक कलेक्ट हुई है, उसमें एक पैटर्न, एक लिंक डेवलप होना शुरू होता है, जो उन डॉट्स को कनेक्ट कर देता है, जो डॉट्स अल्टीमेटली, डॉट्स का मतलब अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो उसे मैं PIR बोलूंगा, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन वो NLP की लैंग्वेज है। अगर उसको लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो मैं बोलूंगा कि आपके माइंड के अंदर आज तक जो भी इंफॉर्मेशन गई है, अगर आप ऐसा सवाल पूछते हैं तो वो इस वे में कनेक्ट होती है कि आपको उस सवाल का जवाब उसी फॉर्म में दे, यानी कि आपने पूछा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मैं इतना लो क्यों फील करता हूं, मेरे साथ ही हमेशा चीजें बुरी क्यों होती हैं, तो आपका माइंड वो सारी चीजों को कनेक्ट कर देगा जिसमें वो आपको ये एहसास दिला दे, वो ये आपको फील कराना शुरू कर दे कि आप ऐसा ही डिजर्व करते हो, आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। इसके सारे जो भी एविडेंसेस हैं, जो प्रूफ्स हैं, जो आज तक जिंदगी में बुरा हुआ, वो सारे डॉट्स को कनेक्ट कर देगा। और ये क्या किया है, एक्चुअली आपने ही एक ऐसा सवाल पूछा है अपने आप से कि आपके अनकॉन्शियस माइंड की पावर को आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है खुद को प्रोग्राम करने के लिए, और आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को सक्सेसफुल होने की बजाय आप फेलियर करने के लिए आपने अपने आप को प्रोग्राम करना शुरू कर दिया है। तो इसमें कर क्या सकते हैं, क्या सच में कोई ऐसा टूल भी हो सकता है, क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिससे हम राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाए, जिससे हम जो चाहते हैं अपनी जिंदगी में उस डायरेक्शन में काम कर सके और हमारा अनकॉन्शियस का अनलिमिटेड पावर हमें यूटिलाइज करने के लिए मिले, तो कितना अच्छा हो जाएगा। और ये हो सकता है, मैं आपको बताता हूं कैसे। इसके लिए दो क्वेश्चंस हैं जिनको मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में फील करें जब आपके माइंड के अंदर ये बात आ रही है कि आई कांट डू इट, यानी इस तरह का सवाल है आपके अंदर या फीलिंग है आपके अंदर आई कांट डू इट, तो क्या करें, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर ऐसा आ रहा है
माइंड के अंदर एक ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है, ऐसी आवाज आ रही है, तो ये आ क्यों रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि एनएलपी में हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन, और आपका माइंड अगर आपको एक ऐसी साउंड, एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है तो इसके पीछे भी उसका कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब हो सकता है कि आप कई बार बोले इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट के पीछे पॉजिटिव इंटेंशन हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कैसे हो सकता है। एक्चुअली आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो आपको क्या मैसेज दे रहा है, वो दो चीजों के बारे में आपका ध्यान लेके जाना चाहता है। हो सकता है वो ये कह रहा है आई कांट डू इट के स्टेटमेंट के पीछे जो उसका रीजन है वो क्या हो सकता है। हो सकता है कि पहली बार वो ये कहना चाह रहा है आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको कि इसको हैपन करने के लिए, यानी इस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है, उसके लिए कुछ स्किल्स की जरूरत है, कुछ नॉलेज की जरूरत है, एंड दैट स्किल और नॉलेज इज मिसिंग। यानी कि जिस स्किल की जरूरत है या जिस नॉलेज की जरूरत है ये मिसिंग है, ये नहीं है। और वो अनकॉन्शियस माइंड आपको जब कह रहा है तुम ये नहीं कर सकते, तो वो इसलिए कह रहा है कि वो आपका ध्यान लेके जाना चाहता है कि समथिंग इज मिसिंग, और आपको उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर आपने वो नहीं किया तो आप सच में नहीं कर पाओगे, ये उसका मैसेज है। दूसरा, हो सकता है आपके पास स्किल भी है, हो सकता है आपके पास नॉलेज भी है, लेकिन एक दूसरी चीज है वो मिसिंग है, और वो क्या है कि आपके पास फ्यूचर की इमेजेस ही नहीं है कि अगर मैं इसको करूं तो होगा क्या। यानी माइंड के पास कोई फ्यूचर की इमेज नहीं है। और मैं आपको बताऊं, हमारा माइंड जब भी फ्यूचर की इमेजेस को नहीं देख पाता तो उस तरफ, उस डायरेक्शन में मूव भी नहीं कर पाता, क्योंकि हम मूव कहां करते हैं, जहां की चीजें हमें दिखाई देती हैं। जैसे मैं आपको बोलूं आप यहां आज खड़े हैं और सामने एक ऐसी अंधेरी टनल है जिसमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा, तो क्या आप उसमें जाना चाहेंगे, क्या आपका मन करेगा उस टनल को एंटर करने के लिए? नहीं, आप नहीं एंटर करना चाहेंगे उस टनल में। क्यों? क्योंकि आपको आगे की चीजें नहीं नजर आ रही है। यही तो हमारे माइंड के साथ भी होता है, जब उसको फ्यूचर की कुछ इमेजेस ही नहीं दिख रही हैं, तो वो क्यों उस ट्रैक पे जाएगा जहां पे बहुत ज्यादा डार्कनेस है। आप सोच के देखो, माइंड इसी तरह से काम करता है, यही उसकी लैंग्वेज है। तो अब क्या है, यानी कि सेकंड क्या है, उसके पास फ्यूचर इमेजेस नहीं है। अब इसमें कर क्या सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। इसमें कर ये सकते हैं कि पहली सिचुएशन जो है, स्किल और नॉलेज, वो कौन सी स्किल है, वो कौन सी नॉलेज है जो मिसिंग है, आज के टाइम पे नहीं है, और अगर वो अडॉप्ट कर ली जाए, इंटीग्रेट कर ली जाए, तो आपका माइंड कहेगा यस आई कैन डू इट। तो ये कैसे होगा, इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सवाल है, एक क्वेश्चन है, जिसे मेटा मॉडल, एक कॉन्सेप्ट है एनएलपी के अंदर, उसमें मेटा मॉडल में ये क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं, मेटा मॉडल आप जानते हैं या नहीं जानते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन वो क्वेश्चन आप यूज कर सकते हो। और वो क्वेश्चन है What stops you? यानी कि जब आपका माइंड कहता है आई कांट डू इट, तो पहला सवाल जो अपने आप से पूछना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है, वो क्या है, What stops you? यानी कि क्या रोकता है आपको। अगर आप अपने आप से बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मुझे क्या रोक रहा है, वो कौन सी चीज है जो मुझे रोक रही है आगे बढ़ने से, अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करने से। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप ये सवाल अपने माइंड से पूछते हैं और सीरियसली पूछते हैं, सिंसियरली पूछते हैं, बिकॉज आपका अनकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स को समझता है, वो जानता है कि ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं सिर्फ मैंने बोला इसलिए सवाल पूछ रहे हैं, या आपके अंदर से सच में ये डिजायर है कि मैं अपने अनकॉन्शियस की अनलिमिटेड पोटेंशियल को यूज करूं अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करने के लिए। और जब आपकी ये फीलिंग होती है तो आपका अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उन डॉट्स को कनेक्ट करता है जहां पे इसका जवाब छिपा हुआ है कि आपको सच में कौन सी स्किल, कौन सी नॉलेज की जरूरत है जो अभी तक मिसिंग है, जो आपको रोक रही है। तो आपका माइंड आपको यहां से उन चीजों को कनेक्ट करेगा और कुछ आंसर क्रिएट करेगा, यानी आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा। और हो सकता है कि जब मैं कह रहा हूं अनकॉन्शियस माइंड बताएगा, तो उसी टाइम पे जब ये आप सवाल अपने आप से पूछ रहे हैं, आपके माइंड में कुछ चीजें आएंगी निकल के, क्योंकि अब आपने क्या पूछा अपने आप से, आपने ये नहीं पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या मैं क्यों फेल हो रहा हूं, या मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आपने ये पूछा है What stops me? क्या रोक रहा है मुझे, और माइंड आपका मजबूर है इसको जवाब देने के लिए, यानी कि उसको ये बताना ही पड़ेगा कि कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है। और वो हो सकता है बताए कि शायद आपके अंदर ये पर्टिकुलर एक नॉलेज की कमी है, आपके पास इस स्किल की कमी है, आपके पास इस एक्सपीरियंस की कमी है। और जैसे ही आप इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, आप सोच के देखो कितना अच्छा है कि आप रुक जाए, इसके कंपैरिजन में आपको ये पता चल गया कि आप क्यों रुक रहे हैं।
और क्यों रुक रहे हैं, अगर वो आंसर्स मिल गए तो उस पर आप काम कर सकते हैं, उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। और अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस देखी है तो आपको मालूम होगा कि मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं एक्शन के ऊपर, क्योंकि यू शुड बी इन एक्शन मोड, आपको एक्शन मोड में रहना चाहिए, वहीं से रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। तो क्या है कि जैसे ही आपको आंसर मिलता है कि मेरी कौन सी स्किल, कौन सी नॉलेज, कौन सा एक्सपीरियंस ऐसा है जो मुझे गेन करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो आप उस पर काम करना शुरू करिए, आप अपना एक्शन प्लान बनाइए और उस पर काम करिए, और आप देखेंगे कि आपके माइंड के अंदर आई कांट डू इट ये जो स्टेटमेंट था ये हटना शुरू हो जाएगा, शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और अंदर से एक फीलिंग आएगी, एग्जैक्टली एक फीलिंग आना शुरू होगी जो कहेगी यस आई कैन डू इट, राइट। अब ये अगर आपने कर लिया तो एक जबरदस्त पावर आप महसूस करेंगे अंदर से, क्योंकि जो अनकॉन्शियस माइंड आपको काम नहीं करने दे रहा था, इतनी पावर थी उसके पास कि आपको वो रोक रहा था, उसी के पास इतनी पावर है कि वो आपको इनेबल करे कि आप जाएं और आप काम करें और अपने रिजल्ट्स को अचीव करें। तो यहां तक की बात। दूसरी जो चीज है, क्योंकि हो सकता है कि कई बार आप जब सवाल पूछते हैं कि वॉट स्टॉप्स मी, और सच में अंदर से कई बार जवाब आ जाएगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रोक रहा है, तो मालूम है क्या करना है, तो अगला सवाल पूछना है What will happen if you do it? ये आपकी फ्यूचर इमेजेस को बिल्ड करेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, What will happen if you do it? यानी कि क्या होगा अगर आप इसको कर लो, यानी जो भी आपकी चीज है, जो भी आपका टारगेट है, उस गोल की तरफ अगर आप बढ़ो और उसे अचीव करो तो क्या होगा। और मालूम है क्या होगा, ये सवाल पूछते ही आपका अनकॉन्शियस माइंड वो सारी इमेजेस को बिल्ड करना शुरू करेगा कि अगर मैं ये टारगेट, ये गोल को अचीव करता हूं तो मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा, कैसी जिंदगी होगी, उसकी इमेजेस को वो बिल्ड करना शुरू करेगा, उसमें कुछ खूबसूरत साउंड्स को, आवाजों को डालना शुरू करेगा, कुछ फीलिंग्स को वहां पे कनेक्ट करना शुरू करेगा, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर एक पूरा नया न्यूरल पाथवे बनना शुरू होगा, बहुत ही खूबसूरत, जो आपको बताएगा कि अगर आप अपने टारगेट, अपने गोल को अचीव करो तो एक्चुअली होगा क्या, रिजल्ट क्या होगा, क्या किस तरह की जिंदगी आपकी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने अभी अंधेरी टनल वाली बात की थी तो वहां क्यों आगे नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि फ्यूचर की इमेजेस नहीं थी। और जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं व्हाट विल हैपन इफ यू डू इट, यानी अगर आप करो तो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आप एक ऐसे फ्यूचर को बिल्ड करना शुरू करेंगे जो बहुत ब्राइट है, जो ब्यूटीफुल है, कलरफुल है, और आपका माइंड उस डायरेक्शन में जाने के लिए ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड है। यानी कि आपको हर रोज कोई मोटिवेशनल टेप देखने की जरूरत नहीं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, आपको ये सवाल पूछने की जरूरत है, आपको अपनी फ्यूचर की इमेजेस को बिल्ड करने की जरूरत है। वंस यू बिल्ड दोस फ्यूचर इमेजेस, वो आपने बिल्ड की तो बहुत कंपेलिंग हो जाएंगी वो, और आप उसकी तरफ मूव करेंगे ही करेंगे, ये ऑटोमेटिकली होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है, उसकी एक लैंग्वेज है, उसकी लैंग्वेज है विजुअल्स, ऑडियोज एंड फीलिंग्स की, यानी कि वो वी ए एंड फीलिंग्स को मैं के बोलता हूं, काइनेस्थेटिक सेंस, वो वी ए के में काम करता है, यानी कि विजुअल्स, ऑडियोज और फीलिंग्स जितनी ज्यादा आपने इसमें इंटीग्रेट की उतना ही ज्यादा आपके अनकॉन्शियस माइंड को क्लियर होगा कि उसे चाहिए क्या, उसे क्रिएट क्या करना है, और अगर वो क्रिएट करे तो व्हाट विल बी द बेनिफिट्स, वो कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो जिंदगी में आ सकते हैं, वो कौन से ऐसे दर्द हैं, वो कौन से ऐसी परेशानियां हैं जो जिंदगी से निकल जाने वाली हैं, एंड दिस विल क्रिएट अल्टीमेट मोटिवेशन, दिस विल क्रिएट एवरलास्टिंग मोटिवेशन इन यू, और फिर आप अपने आप को एक ऐसे लेवल पे फील करेंगे जहां पे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी है कि क्या होने वाला है, और आपने उन चीजों को पहले ही सॉल्व कर लिया है पहले क्वेश्चन से, व्हाट स्टॉप्स यू से, कि मुझे कौन सी चीजें अपने अंदर इंटीग्रेट करने की जरूरत है, कौन सी चीजें अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है। तो आप सोच के देखो जिंदगी कितनी कमाल की हो सकती है अगर आप इस तरीके से अपने आप को मूव करें, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रह जाएगा। मैंने एक वीडियो में बोला है कि जो लोग ये बिलीव करते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, दे आर द हाईली पेड पीपल इन दिस एंटायर वर्ल्ड, वो लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेस क्रिएट करते हैं, सबसे ज्यादा पे किए जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे बिलीव एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो जब भी आपके अंदर ये सवाल आता है आई कांट डू इट, तो इस क्वेश्चन को, यानी कि आई कांट डू इट, ये जो चीज आ रही है इसको आपको तोड़ना है, ब्रेक करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है दो क्वेश्चंस पूछ के। क्या? पहला, व्हाट स्टॉप्स यू, क्या रोकता है आपको, और दूसरा, व्हाट विल हैपन इफ यू डू इट। और ये दो सवाल आपके अनकॉन्शियस माइंड की अनलिमिटेड पावर्स को अनलॉक करेंगे और आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, ये जो इमेजेस बिल्ड होंगी बहुत ज्यादा कंपेलिंग होगी और आपकी जिंदगी में कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। So, this is a wonderful tool and technique जो
एनएलपी जिस साइंस को मैं प्रैक्टिस करता हूं वहां से समराइज फॉर्म में मैंने निकाल के आपके साथ शेयर किया है, राइट? इस साइंस को डिटेल में सीखे तो जिंदगी में बहुत कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। इट इज योर चॉइस कि आप उसके लिए क्या डिसीजन लेते हैं। और ये जो मैंने चीजें आपके साथ अभी शेयर की है, इनको आप अभी से अभी अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करो एंड क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। विश यू अ वंडरफुल लाइफ अहेड। जिंदगी कमाल की चीज है और इसे कमाल के तरीके से जीना चाहिए ताकि आपको हर मोमेंट, ये जो लाइफ की हैप्पीनेस है, जो एनर्जी, आप इसको जी सके, आप इसको फील कर सके। ये मिस कर दिया तो ये दोबारा लौट के आने वाली नहीं है, राइट? विश यू अ वंडरफुल लाइफ अहेड। टेक केयर, बाय।